हाय फ्रेंड्स, मैं आम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। मैं फिलहाल हूँ कलिंगड़ बीच पे और यहाँ पे फिशिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस है। तो यहाँ पे फिशिंग की बोट मेरे सामने नज़र आई है, आप देख सकते हैं। फिशिंग के लिए यहाँ पे लोग सुबह सुबह निकल जाते हैं और यहाँ पे फिश पकड़ने का काम करते हैं। और आई थिंक अगर मैं मछलियों की बात करूँ तो एक मछली का नाम तो मुझे याद है, किंग फिश है। और ये छोटी सी मछली का नाम, वैसे मछली का नाम बता सकते हैं, आई थिंक इल्तुतमिश कुछ करके फिश का नाम है, फिश का नाम बता सकते हैं, सल्टी, सल्टी, हाँ सल्टी फिश का नाम है। तो यहाँ पे फिश का बिजनेस होता है और बहुत ही सब फ्रेश फिश है, आपको ये मिलेगा नहीं यहाँ पर, और आप अपना काम कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे बहुत ही अलग अलग वैरायटी की फिश है। आपको अगर मैं नज़ारा दिखाना चाहता हूँ दूसरे साइड से, तो मैं आपको नज़ारा दिखा सकता हूँ। मैं तो साइड में हो रहा हूँ और आपको यहाँ से नज़ारा दिखाऊंगा। तो आपको आई थिंक देखा था यहाँ पे दूसरी मच्छी आपको नज़र आएगी, कुछ अलग ही तरह की मच्छी है। यहाँ पे अच्छी खासी फ्रेश मच्छी है और आपको इस तरह की मच्छी कहीं नहीं मिलेगी। आपको आई थिंक प्रॉन्स जो मैं बताया था, प्रॉन्स भी नज़र आएगा, प्रॉन्स आप देख सकते हैं, प्रॉन्स है। इस तरह कई सारी मच्छियाँ हैं यहाँ पे अवेलेबल, फ्रेश मार्केट में जाती है, इसलिए गोवा की जो ज़्यादातर डिशेस है वो मोस्टली फिश से रिलेटेड है। और अगर आप कभी गोवा है तो यहाँ पर जो चीज़ें आपको खानी है तो फिश से रिलेटेड ही खाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको टेस्ट का स्वाद मिलेगा। एकदम फ्रेश फ्रेश मछली आप देख सकते हैं, मैं कैमरा ही घुमा देता हूँ, फिश देख सकते हो, फिश पकड़ रहे हैं लोग। आई थिंक ये सेल्टी मुझे कहा गया था और ये किंग फिश है। प्रॉन्स बीच बीच में नज़र आएगा, क्रैब भी है, केकड़ा भी है, कई सारी मच्छी यहाँ पे नज़र आएगी आपको। और आई थिंक हाँ यही मेन मच्छी, और बाकी ये थोड़ी अलग अलग वैराइटीज़ की मच्छी हैं। और पॉम्पलेट है, पॉम्पलेट आप नज़र देख सकते हो, पॉम्पलेट भी है। ये डेली बेसिस पे बिज़नेस होता है और कहीं ना कहीं ये एक अच्छा व्यवसाय है जहाँ पे फ्रेश मच्छी आपको मिलती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और पता चलेगी, तो आपको इसी तरह मैं बताता रहूँगा। और ये मैं खुद देख के काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि इतना पास से इतनी सारी मच्छी देखा। अब यही सोचो अगर एक खाने में मिल जाए मुझे तो एक अलग ही स्वाद होगा। चलिए कुछ और बॉलीवुड खबरें सीधा पता चलेगी, ये इंपॉर्टेंट खबरें, और गोवा में जो भी चीज़ मैं अगर विजिट करूँगा देखूँगा तो आपको ज़रूर बताऊँगा। चलिए बाय बाय।